आ गए स्टूडियो, गाना वगैरह आते रहता है, समझा रहे हैं। एक्चुअली देखते हैं अंदर का सिंगिंग रूम कैसा होता है। कार तो कैसे हैं आप लोग? मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स ग्राइंडर पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि म्यूजिक स्टूडियो में जो गाना सुनते हैं ना, वहां पे रिकॉर्डिंग कैसी होती है। तो देर ना करते हुए चलो चलो आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। ये हम लोग आ गए हैं स्टूडियो के बाहर और चलते हैं अंदर की तरफ। ये आ रहे हैं हमारे सिंगर साहब, गए थोड़ा कुछ काम हो शायद, तो चलते हैं। ऐसी जगह में स्टूडियो जैसा आप लोग देख ही सकते हैं, बर्तन वर्तन का दुकान होता है, जगह वगैरह का अभाव होने के चलते फ्रंट पे जल्दी महंगा होता है, तो इसलिए कहीं भी जगह अगर मिल जाती है अच्छा सा तो उस लोकेशन पे आदमी अपने लिए स्टूडियो बुक कर लेते हैं। तो ये आ गए स्टूडियो, माय मॉम्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये प्रिंस मेहता जी हैं यहाँ के डायरेक्टर। ये वाला जो है ये सिंगिंग रूम है जिसमें एक सिंगर गाता है, और ये एक स्टूडियो का मेन रूम जहाँ से म्यूजिक कंपोज वगैरह किया जाता है। ये म्यूजिक डायरेक्टर साहब थे प्रिंस मेहता जी, ये भी एक सिंगर ही हैं, मतलब एक तरह से बोला जा सकता है। प्रैक्टिस कर रहे, खाली बैठ जाए। आराम से। तो ये आप लोग स्टूडियो का सेटअप देख सकते हैं। ये डिस्प्ले पे आपको दिख रहे हैं ना, ये आलोक रंजन जी हैं हमारे कैमूर जिला के, बिहार के बहुत ही अच्छे सिंगर। इनका जख्मी दिल और एक दो गाना आया हुआ है जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये दरअसल अभी बहुत बड़े सिंगर हो चुके हैं अभी हमारे यहाँ के। ये स्टूडियो में लगभग इनका हमेशा गाना रिकॉर्ड होते रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडियो किस तरीके का है। यहाँ पे सिंगर आते हैं तो पहले अपने गाने को गा करके ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा रियाज कर लेते हैं। इतने में स्टूडियो का जो ऑनर होता है, कंपोजर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर जो भी बोल सकते हैं, वो उतने में अपना म्यूजिक रेडी कर लेता है कि उस गाने के हिसाब से कौन सा ट्रैक प्ले करना है, किस म्यूजिक को सेट करना है, सारा कुछ ये सारा कुछ सेट कर लेता है। इसके साथ में एक राइटर आता है, जैसे कि ये राइटर जी आगे में बैठे हुए हैं, ये बार बार ये राइटर जी हैं हमारे, ये बार बार बता रहे हैं कि कैसे मतलब कि लिखा मतलब गाना है नहीं गाना है। ये भी एक सिंगर ही हैं, इनका दरअसल नाम हमको अभी पता नहीं है, इनका भी गाना वगैरह आते रहता है, भोजपुरी से ही गाते हैं ये भी। तो ये है स्टूडियो, आप लोग देख सकते हैं नॉर्मली अंदर से काफ़ी ज़्यादा मस्त दिख रहा है, लेकिन बाहर से तो उतना मतलब कि आप लोग देखिए कि कैसे आज जगह है, कैसे रास्ता है। तो आ गए यहाँ पे हम लोग, सिंगर साहब अपने गाना का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह से यार मतलब कि पूरा सिंगर जो भी होता है, मतलब यही नहीं मतलब कोई भी सिंगर आते हैं तो पहले आधा घंटा 10 मिनट 15-20 मिनट पहले जो भी गाना वो गाने वाले होते हैं ना, तो पूरा अच्छा से उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपना पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट पे लिरिक्स वगैरह को अच्छा से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि वो अंदर में जब सिंगिंग रूम में जाएंगे अंदर वाले रूम में तो दिक्कत ना हो। ये हमारे राइटर साहब हैं, जैकेट उतार रहे हैं। जाना था नहीं गर्मी दहर कैसन होला डरवा के जवाबे लो नाउ सोनू जी पंकज पीरिंच के तू। तो मतलब कि ये सोनू दीवाना जी सिंगर हैं, जैसे ये गाते हैं, इनका लिखा हुआ गाना मेरी सिस्टर गाती है, और वो भी दरअसल एक सिंगर ही है, उसका नाम अनामिका कुमारी पूजा है। अगर आप गूगल गर्मी हो जाएगी प्रैक्टिस क्या ला कर बता, म्यूजिक वो है म्यूजिक बाजा था पागल ले जाके पैरा के लिए निकाल ले निकाल दा, बिना गर्मी हो जी बा, अरे अंदर गर्मी हो जाए राम, पिछला बार जाना था जाके भिंजल रहा जाए जी, खुला है नहीं लॉक मारा हुआ उसमें आपको भैया ही क्या
तो वो भी आपको दिखा ही देते हैं कि किस तरीके का होता है। नहीं भैया नहीं क्या खिंचाई। चलिए जैसे सिंगिंग मेरे रूम का दरवाजा खोल रहा हूँ अभी। हमारे राइटर साहब मतलब कि सॉरी हमारे सिंगर साहब जो हैं सोनू जो हैं ये बहुत ज़्यादा ही नर्वस जैसे महसूस कर रहे हैं। तैयारी कर ही रहे हैं अपने गाने की। तो ये पहुंच गए हैं अंदर में और दरअसल अपने सिंगिंग रूम में जा चुके हैं। अब गाना सिंगिंग रूम में आ गए हैं। गाना से अपना लिरिक्स सेट कर लिए वाला अलग लेंगे। इसमें दरअसल कुछ भी दिक्कत होता है ना तो जब भी दिक्कत परेशानी क्या होता है सिंगर को बाकी का म्यूजिक डायरेक्टर को कंपोजर को वो भी हम लोग शायद अगर हो पाएगा तो देखते हैं कवर करते हैं। ये मैं था चलिए अब देखते हैं। दरअसल इसमें राइटर तो इसीलिए बुलाया जाता है ना सिंगर के साथ राइटर का आना इसलिए जरूरी होता है कि उसमें जो गाना समझाइए पिछला बार बहुत दिक्कत हुआ था मतलब कि मान लीजिए उसको कहाँ कमी है कहाँ कमी नहीं है किस तरह कहाँ आवाज हाई करना है लो करना है म्यूजिक डायरेक्टर तो बताता ही है साथ में सिंगर को राइटर भी बताता है क्योंकि राइटर ने गाने को लिखा हुआ है तो उसको अच्छे से पता होता है कि किस तरीके से गाना है किस शब्द पे जोड़ देना है नहीं देना है वो सब कुछ वो अंदर में जाकर के उसको दरअसल वही समझा रहे हैं कि कैसे गाना है कैसे नहीं गाना है अपना ध्यान कहाँ रखना है कैसे लिरिक्स को देखते हुए अच्छे से। इन दरअसल प्रिंस जी का हमारे म्यूजिक साहब का कोई सॉफ्टवेयर अब अभी ओपन हो रहा है और राइटर साहब अंदर समझा रहे हैं। चलिए देखते हैं अंदर का सिंगिंग रूम कैसा होता है। ये खोल लिए दरवाजा ये देख लिए समझ गए ना सुनो जी जी जी। अरे चलिए एकदम बिजोड़ लग जाइए लग रहा है। म्यूजिक के स्टेडियम में अपने माइक का बल्ला लेकर तैयार है गाना गाने के लिए। चलिए पिछला बार कैसे परेशानी हुआ तो भैया बताएगा भैया छठ वाला में याद है डांटने लगे भगवान स्टूडियो में तो बल्दा उधर कतना रही बिना जी का तो अभी आओ हाउ प्लेस कर दीजिएगा रहे दीजिए रहे तो मैंने क्या कीजिएगा। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जी सब कुछ सेट कर लिए हैं समझ गए हैं गाने की तैयारी शुरू होने वाली है। इन्होंने मतलब अपने हिसाब से अपनी सारी तैयारी शुरू कर ली जैसे म्यूजिक सेट करना और ट्रैक वगैरह सब रेडी कर चुके हैं। दरअसल ये बहुत ही यहाँ के फेमस हैं मतलब बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये। इनके यहाँ दरअसल इतना ज़्यादा मतलब कि ट्रैफिक होता है मतलब कि इतने ज़्यादा सिंगर्स आते हैं ना कि इनके पास जल्दी टाइम ही मतलब इनके पास जल्दी वो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पाता कि आपको गाना के लिए आना है कि नहीं आना है। थंब दिखा दिया मैंने भी थंब दिखा दिया ऑल द बेस्ट अच्छे से गाना मिस्टर सोनू दीवाना। सोनू दीवाना जी अभी मतलब कि पुराने सिंगर नहीं है नए सिंगर ही हैं। इनका 3 से 4 गाना आया हुआ अभी तक ये दरअसल सीख रहे हैं। ये दरअसल इन्हें राइटर साहब को बता दे दिया गया है कि आप बताइए कि किस तरीके से गाना है। तेरी भरिएगा दो आदमी भरेंगे तेरी से मतलब नहीं है तेरी से मतलब नहीं है।
ये बताने वाले हैं। ये गाय के बता दीजिए। सुना आप लोगों ने किस तरीके से गाना गाना है, नहीं गाना है, ऐसे राइटर बताते हैं, मतलब कि जो भी सिंगर वगैरह आते हैं ना उनको बताया जाता है कि ऐसे आपको गाना गाना है, ऐसे नहीं गाना है। स्टार्ट सुन सकते हैं आप लोग। जहाँ पर अगर गलती होता है ना, अगर एक बार गाना गाए गलती हो गया तो फिर दोबारा से गवाया जाता है। कलम तो हम लोग वो बाद में मेकअप कर लेंगे भैया, कि एक बार अच्छा दे, अच्छा दो, अच्छा दो, कोशिश करते रहते हैं लास्ट तक, कि लास्ट में उस मतलब कि जो अच्छा ट्रैक होता है उसको रख लेते हैं और जिसमें खराब रहता है उसको हटा दिया जाता है। अगर समझ में आएगा तो आवाज वाज परफेक्ट आ रहा है, कम बेसी बोलिएगा जो भी होगा, ठीक है ना। दरअसल इस स्टूडियो का नाम है एमएम स्टूडियो, एमएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये कुसौली गोला पे है जो कि बिहार में पड़ता है। अगर मोहनिया साइड से आते हैं यहाँ पर तो मोहनिया से यहाँ आएंगे तो आपको आने में करीबन एक घंटे के आसपास लग सकता है, क्योंकि ये 12-13 किलोमीटर बढ़ जाता है और सासाराम से आएंगे तो 40-45 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मैं जहाँ मेरा घर है, मेरे घर से इनका स्टूडियो 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, इसलिए हम लोग जल्दी आ जाते हैं नज़दीक पर। बस अपॉइंटमेंट ले लेते हैं हम बात करके, ताकि मतलब कि ज़्यादा मतलब कि इस टाइम पर हम लोग ना पहुँचे कि वहाँ दिक्कत हो, नहीं हो, भीड़ हो, तो मतलब कि परेशानी हो हम लोग को सिंगिंग करने में या फिर कोई भी चीज़ में। देख सकते हैं आप लोग, ऐसे होता है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाने का, ऐसा होता है स्टूडियो, ऐसे होती है रिकॉर्डिंग। फिर से हमारे राइटर साहब बता रहे हैं कि कैसे गाना है, नहीं गाना है। आइए आइए। डायरेक्ट बबुआ ऐसे हम लोग म्यूजिक के साथ सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है गाना सुनने में। हिंदी, बंगला, भोजपुरी, किसी भी लैंग्वेज की कोई भी हो, वेस्टर्न हो, इंडियन हो या भी कोई भी हो, कितना अच्छा लगता है। लेकिन यही जब बिना म्यूजिक अगर सुनेंगे तो बहुत ही अलग टाइप का लगता है। अगर ये चाहते हैं ना तो हम मतलब कि कुछ 15-20 सेकंड का, 1 मिनट के लगभग ये वीडियो बना देंगे, उसमें ये सिंगर का ही, इसी स्टूडियो का ये सीन दिखा देंगे कि उसमें अगर बिना म्यूजिक के अगर गाते हैं, मान लीजिए कि वो माइक में गा रहा है, हेडफोन लगाया हुआ है गाने के लिए, तो उस वक्त में मतलब कि हम लोगों को अगर वहाँ पे खड़ा होकर सुनेंगे तो हम लोगों को कैसा सुनाई देता है बिना म्यूजिक का, हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्यों क्यों क्या गा रहा है, मतलब कि गा क्या रहा है वो तो समझ में आएगा, लेकिन किस क्या मतलब क्या म्यूजिक बज रहा है नहीं बज रहा वो हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता। लाइन को पकड़िए, लाइन को कैसे गाओ कर रहा है, देख सकते हैं। बाकी का रिकॉर्डिंग वगैरह तो आपके सामने ही है सारा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम मतलब कि अपने एडिशन से मतलब कि यहाँ पे कुछ एनिमेशन कर दिया, कुछ भी जो है आपके सामने आप लोग देख सकते हैं। ऐसे स्टूडियो होता है, ऐसे सिंगर को जाके गाना होता है अपने आवाज़ में अच्छे से, फिर म्यूजिक डायरेक्टर उस पर ट्रैक सेट करते हैं, ऑडियो मतलब कि अच्छा क्लियर करने के लिए ट्यून वगैरह सेट करते हैं। अगर आप भी सिंगर हैं तो कभी भी अगर आप जाते हैं ना तो आप नोटिस करिए राइटर आपके साथ जाता है, अगर नहीं जाता है, अगर आप बिना राइटर के जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरा अच्छा सा रिवाइज है और सारा कुछ आपको पता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी अगर स्टूडियो वगैरह में जाते हैं तो स्टूडियो के जानकार जो हैं, उस आप जो भी गाना को गाने वाले हैं, जो भी गीत को गाने वाले हैं,
उसको जानकार जो भी राइटर है उनको आप अपने साथ ले जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। दो तीन तो लाइन समझा दिए हैं, अब उठाइए वही ट्रैक पर कि जो भी होगा जहाँ भी आप अगर फंसेंगे ना तो वो दरअसल क्या म्यूजिक डायरेक्टर को तो म्यूजिक देना है, उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो म्यूजिक देगा ही, लेकिन जो राइटर रहता है ना वो आपको बताता है, हेल्प करता है कि आपको कैसे गाना गाना है, कैसे गाना नहीं गाना है। तो यही वीडियो है, बाकी तो आप लोग देख ही सकते हैं कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा यार, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी अच्छे से और मजेदार वीडियो के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज 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 यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट करता है आपका ये छोटा भाई आपके साथ, आपसे मतलब प्लीज कर दो।